हेलो दोस्तों, एनजे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज हमारा क्लास नंबर 14 है और यहाँ पे 17/8/2018 शिफ्ट 2 का यहाँ पे हम क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि हमारा क्लास अब जो है इंक्रीज होने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर आप मतलब यहाँ पे हम लोग जीके जीएस के क्लास को जो देख रहे हैं, ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इस पे एक प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊं और यहाँ पे रीजनिंग का भी क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ जीके जीएस से जुड़ी जितने भी आपको स्टैटिक जीके के आपके जितने भी पोर्शन होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज इसको भी हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब क्लास आपकी बढ़ेगी, तो आप लोग इसके बारे में क्या चाहते हैं जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो आज 17/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्लास नंबर हमारा 14 होगा, मतलब 14वां यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो गतिज ऊर्जा होती है ये आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ये होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जब आप मिला देते हैं तो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, ठीक है, और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो आपका धावन सोडा है, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है तो HCl इसको होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CO2 गैस यहाँ पे निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो केवल उदासीनीकरण होगा, CO2 गैस तेज विद्युत के साथ क्या होती है, निकलती है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, CO2 गैस यहाँ पे तेज बुदबुदाहट के साथ में क्या होती है, निकलती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और जानेंगे कि जैसे कि अभी आपको फार्मूला बताए हैं धावन सोडा का, तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये होता है आपको Na2CO3, ये होता है धावन सोडा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक जिसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी, इसका वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपर क्या हो जाता है, केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और एशियाई कौन है, संयोगवश वह एक भारतीय है, ठीक है, ये कौन है, तो अल्फा अलका बैनर्जी, इंदिरा नूनी, पद्मश्री वारियर, लीना नायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो लीना नायर इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे तो हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशाल काय संस्था फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो ये आपके कौन है, एल राजवानी, ठीक है, सुनील ये, और कल्याण की स्मृति, ये उस समय का आपको जो है करेंट अफेयर का ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, CEO की, तो उसमें कल्याण की स्मृति थी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है SI इकाई का भार क्या है, ठीक है, सॉरी भार का SI उल्टा हो गया है, आपको ये करना है कि भार का SI इकाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम, ये देखिए यहाँ पे भार का SI इकाई अगर आप देखें तो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, भार का SI इकाई क्या है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब जब टाइपिंग जब हम लोग PDF बनाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर सेंड करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं भार का SI इकाई क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है। यहाँ पे यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न इनमें से कौन होता है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रा, अमीबा, एल्गी, एल्गी होगा, ठीक है, और कवक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा। मतलब कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो ये आपका हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के विकास किसान, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से पहले जो चंपारण के किसान थे पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था, पंचकठिया से ये होता था, ठीक है। नील, कपास, जूट, यहाँ पे आपका गन्ना है, तो इसमें क्या होता था आपको नील, ठीक है, नील का यहाँ पे खेती होता था, इसको इस हिसाब से वो बोया जाता था, ठीक है, नील का, समझ रहे हैं। और नील की जो खेती की 3 कटिया पद्धति 1800 किसमें आपको ये लागू हुआ था, 1867 में एक अनुबंध द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नील की जो खेती का जो 3 कटिया पद्धति थी, मतलब 3 कट्ठा का एक आपका होता था, ठीक है, तीन कट्ठा का, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, तो इसको बोलते थे 3 कटिया, यहाँ पे 5 कटिया मतलब 5 कट्ठा, ठीक है। एक कट्ठा में कई जगह 4 डिसमिल होता है, कई जगह 3.5 भी लोग ले लेते हैं 1 डिसमिल को, ठीक है। मतलब अगर आप बात करें 4 डेसिमल मतलब डिसमिल होता है, ठीक है, जो जमीन होता है, तो 4 डिसमिल को कितना बोलते हैं, 1 कट्ठा, ठीक है। कई जगह आपको 3.5 पर ही 1 कट्ठा बोल देते हैं, ठीक है, तो अपने अपने वो है, लेकिन 4 ही यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये हिसाब पे आपका हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से कार्बन का एक अपरूप नहीं है, इसमें से आपको देखना है कार्बन का एक अपरूप मतलब एलोट्रॉप इसमें से नहीं है, बकमिंस्टर फ्लोरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, और यहाँ पे क्या है आपका ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक आपका कार्बन का अपरूप नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, बाकी ये सब सारे आपके हैं, ठीक है, ये कब अप्रूव है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला देखिए, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प भरी यदि एक पौधे की समसम जीनी, ठीक है, फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स, TTR है, तो समलक्षणी होगा, ठीक है। ये किस तरह के समलक्षणी होगा इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे बौना और झूरीदार, लंबा और झूरीदार, बौना और गोल, लंबा और क्या होगा, गोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको बौना और गोल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखते हैं, ये बायो से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसके सबसे ऊंचे पर्वतों को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गुरु शिखर के नाम से आप देखें यहाँ पे, तो किसको जाना जाता है, ये जो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला को गुरु पर्वत के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, गुरु शिखर नाम से, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला को, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे पड़ती है, अरावली की जो पहाड़ियां होती है कहाँ पड़ती है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, जो यहाँ पे है गुरु शिखर की, जो अगर आप हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 1722 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको चट्टानों में विश्व की, ठीक है, आपको जानना है तमाम सारी चीजें इसके बारे में, लेकिन इतना आप जानिए कि आपका कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान पड़ता है, हाइट 1722 मीटर है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस टीम ने जनवरी 2018 में इतिहास रच दिया, ठीक है, पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदर्भ ने, ठीक है, विदर्भ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अब देखिए यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं और आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के अत्यधिक खून बहता है, किस विटामिन के कमी के कारण, ठीक है, तो ये विटामिन के कमी के कारण क्या होता है, अत्यधिक खून बहता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ज्यादातर खून बहता है, यानी विटामिन के क्या है, उसकी कमी है, ठीक है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका नाम है आपको फिलोक्विनिन, ठीक है, नेप्थाक्विनिन उसको बोलते हैं, इसको उसका नाम है फिलो यहाँ पे क्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नेप्थाक्विनोन, ठीक है, नेप्था
यूनियन, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि उपन्यास स्वतंत्रता दायब ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो किसको मिला था यहाँ पे, सी आर रामचंद्रन, वैदेही, गिरीश कर्नाड, ठीक है, तो किसको मिला था, तो ये मिला था आपको बोलवाल मोहम्मद मोहम्मद यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कुन्ना ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे शब्द का ये लेके आए, ठीक है, तो ये उस समय का आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला है, ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने भी मिले हैं उसको देख कर जरूर जाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और के बहुत दूर रखा गया है, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा ये हो गया, लोहा जो कि गुण में कोबाल्ट और या निकल जैसा होता है, ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो जा रहा है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें लोहा, यहाँ पे क्वेश्चन लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट यह कोबाल्ट और या निकल जैसा होता है, ठीक है, तो इन तत्वों में किसकी कमियों में एक था, इन तत्वों में किसे बहुत दूर रखा गया है जो इन कमियों में से एक था, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, हम लास्ट क्लास में जब सॉरी जब इसके बाद वाला जो जो क्लास लेंगे उसमें हम इस क्वेश्चन को ऐड करके आपको सही क्वेश्चन को करके और आपको जरूर यहाँ पे देंगे, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ठीक है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, तो अगर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन को, तो किसके निर्माण के कारण होता है, जब भी आप चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे CaO, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो ये मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है, तो चूने के पानी में CaO प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनाएंगे तो क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किसमें करते हैं, इसमें तो ये आपका प्रयोग होता है दंत मंजन में, ठीक है, दंत मंजन में, ठीक है, और किसमें होता है, और यहाँ पे जो आपका इसका उपयोग होता है तो ये एक चीज और है इसमें, क्या नाम है उसका, पाउडर तथा पेस्ट बनाने में, ठीक है, पेस्ट या पाउडर, ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है इसमें से, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इसमें से नहीं है, ये आपको बतानी है यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखें, पवन ऊर्जा, भूतापी, सौर ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा, ठीक है, तो नवीनीकरण ऊर्जा इसमें से जो है आपका नहीं है तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जीवाश्मों से ऊर्जा, ये नवीनीकरण ऊर्जा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और जीवाश्मों से ऊर्जा क्या होती है, परंपरागत, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होती है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है, देखिए नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान कितना है, 14, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो अमोनिया का परमाणिक आणविक द्रव्यमान बताना है, ठीक है, मतलब देखिए नाइट्रोजन का दिया है 14, हाइड्रोजन का कितना दिया है 1, तो अमोनिया का दे रहा है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, तो नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का तो आपका 1 है, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, इसको आप ले लीजिए 36, तो आपको कहेगा कि HCl का बताइए, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो HCl का बताइए, तो 1+ यहाँ पे मान लीजिए 36 अगर आप ले लेना है इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37 लगभग, अगर मान लीजिए पॉइंट में अगर दिया होगा तो कितना लेंगे 36.5, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो इस तरह से आपको पूछता है आणविक द्रव्यमान। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन, वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, ठीक है, वाई का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है, 1.03, 1.003, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे, देखिए
नाइट्रोजन का परमाणु, सॉरी ये हो गया वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है 1.003, 0.003। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन से यहाँ पे रिएक्शन किया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से कॉपर बनाया है और एस2 बनाया। समीकरण निम्न में से किसका ए उदाहरण है, उपचयन, वियोजन, अपचयन, रेडॉक्स। ठीक है, तो ये किसका है, रेडॉक्स का है। ठीक है, रेडॉक्स ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, त्रिज्या तिहाई है, या पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल त्वरण इतना हो तो त्वरण कितना होगा। ठीक है, त्वरण बताना है, तो त्वरण जो एक्सीलरेशन होगा इसको आपको बताना है, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे होगा 9/2। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन अधूरा है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में, दो क्वेश्चन आपका रह गया यहाँ पे, अगले क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हमको समझाने के लिए आपको यहाँ पे कह लीजिए कि जो चीज चाहिए वहाँ पे है नहीं, मतलब टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो रहा है और हम क्वेश्चन को साफ सुथरा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आगे से, ताकि आपको इस तरह से क्वेश्चन को सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा कि फरवरी 2018 में एक राज्य, ठीक है, एक राज्य जो है आपका अभियान के किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया था। इरफान खान को, अमिताभ बच्चन को, अनुपम खेर को, राहुल यहाँ पे तो इसको किया गया था आपको इरफान खान को। ठीक है, 2018 में। ठीक है, ये उस समय का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। देखिए मैं बार बार क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ, ये उस टाइम आपका क्वेश्चन था। देखिए वो क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं होगा, जो करंट अफेयर के जो है, जो भी आपको 2018 में पूछा गया है, ये तो आपको क्या होगा, रिपीट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कि आप इससे ये सीख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वहां से फायदा मिलेगा। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमिक वर्गीकरण की इकाई क्या, जाति, नस्ल, परिवार और क्रम। तो ये क्या है आपका, ये है आपको नस्ल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण किसमें बढ़ता है इसको बताना, तो मैग्नीशियम से बोरियम तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम से क्लोरीन तक। ठीक है, अधात्मिक गुण बढ़ता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। दो क्वेश्चन जो हमारा रह गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा दो रह गया यहाँ पे, तो उसको जो है हम कल वाली क्लास में शेड्यूल करके उसको जो है यहाँ पे डिस्कशन करा देंगे। और जितना भी हमारा जितना भी क्लास हो चुका है उससे हम आपसे ये कहेंगे कि आप जो है एक बार सब सारी क्लास को देखिए। ठीक है, मतलब 13 क्लास तो हमारे फाइनल हो ही चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा कितना कौन सा क्लास है तो देखें, तो यहाँ पे 14 नंबर था। ठीक है, शिफ्ट 2 का, 17, 8, 18 का। अब इसके बाद से हम रीजनिंग कराएंगे, तो इसके बारे में आप क्या चाहते हैं रीजनिंग के बारे में आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, ALP का रीजनिंग का होगा और भी सारे जितने भी ग्रुप डी, जैसे अक्टूबर में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगा। लगभग सिलेबस आपका समान ही रहता है, कुछ चैप्टर इधर उधर रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं जरूर कमेंट कर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।